गूगल पिक्सल 7 या 7 प्रो का कैमरा चाहिए, कोई भी रेडमी शाओमी या पोको डिवाइस जिसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, काफ़ी इजीली आप उसमें इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। आपको काफ़ी बेटर रिजल्ट्स देखने को मिल जाएगा, चाहे आपका डिवाइस रैम ही 12.5 13 या 14 आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। बस इसके लिए आपको एंड्रॉयड 12 या 13 चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो ऐप का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है उसके लिए मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, बट ऐप आपको जो है इंस्टॉल करने के बाद वर्थ इट लग सकता है, तो ट्राई करके देखिए। तो ऐसा आपको कुछ जो इंस्टॉल करने के बाद ओपन किया जाए तो ऐसा कुछ लुक आपको देखने को मिल जाएगा। पहले भी गूगल कैमरा यूज़ किए होंगे बट ये आपका लेटेस्ट वर्जन है जो कि 8.8 है और अभी आपको ये गूगल का पिक्सल डिवाइस में ये देखने को मिल रहा है। तो इसमें आपको नाइट साइट देखने को मिल जाएगा, थोड़ा बेटर यूआई और चेंजेस हुआ है थोड़ा बहुत, जो कि एकदम नेक्स्ट लेवल नहीं बट हाँ सॉफ्टवेयर वाइज इंप्रूव काफ़ी ज़्यादा होता है। और गूगल का कैमरा जो है वन ऑफ द बेस्ट होता है, मतलब अच्छा होता है, आपको फोटो रिजल्ट्स काफ़ी नेचुरल देखने को मिल जाता है, तो इससे आप जो फोटोज़ को क्लिक कर सकते हैं। क्योंकि Xiaomi का कैमरा ऐप थोड़ा सा जो है आर्टिफिशियल ऑयल पेस्टल कलर्स देता है, कोई कोई फ़ोन में सभी में नहीं बट हाँ पर्पल टिंट ग्रीन टिंट थोड़ा ऊपर नीचे होता है Xiaomi का कैमरा ऐप में, गूगल का कैमरा ऐप में वो चीज़ नहीं होगा। फिर आपका बचता है पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट में आपको सेम फीचर्स देखने को मिल जाता है बट पोर्ट्रेट फोटोज़ काफ़ी अच्छा रहता है, आप ट्राई कर सकते हैं। वीडियो में आपको स्पीच एनहांसमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है, ये आप अनेबल कर सकते हैं, तो ये आपको नॉर्मल वीडियो में ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 4K भी रिकॉर्ड कर सकते हैं 60fps में अगर आपका डिवाइस सपोर्ट कर रहा है तो। और इसमें आपको टाइम लैप्स स्लो मोशन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, सभी कुछ प्रॉपर सभी मॉड्स काम इसमें कर रहा है। और आपको बाकी मोर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसमें कि आपका लेंस, गूगल लेंस, पैनोरामा, ये सब का ऑप्शन देखने को मिलता है। कैमरा सेटिंग्स पर अगर आप चाहिए तो आपको नॉर्मल कैमरा सेटिंग्स देखने को मिलता है, तो सेव लोकेशन, कैमरा साउंड, फिर आपका सजेस्ट गूगल लेंस या गूगल लेंस सजेशंस, और एडवांस में चाहिए तो शो डर्टी लेंस वार्निंग, HDR+ कंट्रोल और वही नॉर्मल फीचर्स, बट कुछ आपको नया भी देखने को मिलता है जैसे कि आपका टाइमर लाइट और आपका कैमरा API सेटिंग्स, फिर आपको डिवाइस इंटरफेस, फिर आपको डिवाइस सिलेक्शन फॉर HDR और फिर गूगल सेंसर लॉजिक, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आपका नया अपडेट में ये ऐड किया गया है और ये मतलब फिक्स किया हुआ है, तो काफ़ी बेटर आपका डिवाइस में चल सकता है, बस आपको ट्राई करना होगा। फिर आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन, ऑडियो जूम तो बहुत पहले ही देखने को मिल जाता है, और फिर आपका इसमें एडिशनल सेटिंग्स भी है जिसमें आपको और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल जाएगा जो कि अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, और HTML फाइल्स भी आप इसमें इम्पोर्ट कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, आप ट्राई कर सकते हैं। कैमरा ऐप नेक्स्ट लेवल है और अगर आपको ये डाउनलोड मारना है इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो सेटिंग्स में भी सेम आपको सेटिंग्स देखने को मिल जाता है और ऐसा कुछ इसमें आपको सेटिंग्स चेंज नहीं हो रहा जो कि पहले का गूगल कैमरा उसमें होता था। और अगर आपको डाउनलोड मारना है तो उस कैमरा का जो मॉड आप देख सकते हैं SG कैम्स का नाम है जो कि 8.8 लेटेस्ट वर्जन है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। क्रेडिट गोज टू डेवलपर जो कि इसको डिज़ाइन किया है, मतलब पोर्ट किया है। आई होप आपको वीडियो और कैमरा ऐप पसंद आओगा, वीडियो पसंद आया, कैमरा ऐप पसंद आया, जाओ यार डाउनलोड करो, लाइक मारो वीडियो को, लाइक ही 130 रखते कंप्लीट कर दो, जाओ मेहनत लगता है वीडियोस बनाने में, कर दो वीडियो को शेयर करो, कुछ पूछना नीचे कमेंट करो, सजेस्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप करो, नोटिफिकेशन कॉल में रख दो और वेट करो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली मिलेगा, तो जाओ रेडी रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।